मुख्यमंत्री जी आज क्या 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 कैबिनेट में रहा, क्या क्या खिलाया पिलाया माननीय मुख्यमंत्री जी? आज कैबिनेट में बहुत ऐतिहासिक दिन रहा कि सिग्रामपुर जैसे ग्राम स्तर पर ये कैबिनेट हुई है। ये वास्तव में बहुत गौरव का विषय है और ये हमारी सरकार का विजन है कि जो ग्राम स्वराज की परिकल्पना है गांव तक पूरे मध्य प्रदेश की सरकार पहुंची, अपने आप में ऐतिहासिक बात है। और सबसे बड़ी बात ये रानी दुर्गावती जी का कार्यक्षेत्र रहा है, उनकी राजधानी रहा है, तो रानी दुर्गावती जी की 500वीं जयंती पर ये रानी दुर्गावती जी को कैबिनेट समर्पित हुई, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। और महिला सशक्तिकरण के लिए कैबिनेट समर्पित रही, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये आज का दिन इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया है और आने वाला जो समय है बहुत गौरवशाली और वैभवशाली रहेगा। और पर्यटन हब बनाने की माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से घोषणा हुई है, तो निश्चित रूप से दमोह, मैं पर्यटन मंत्री भी हूँ और तो दमोह में पर्यटन के क्षेत्र में जो भी अच्छा किया जा सकता है उसकी रचना योजना बनाई जाएगी और पर्यटन के क्षेत्र में दमोह को आगे बढ़ाया जाएगा। बुंदेलखंड के रंग में रंगे थे, क्या क्या किया आप लोगों ने? बुंदेलखंड के रंग में माननीय मुख्यमंत्री जी रंगे और बुंदेलखंड की परंपरा, वहाँ के पकवान हमने उनको खिलाए और कांसे की थाली में उनको भोजन कराया, अपना जो दही बड़ा होता है वो खिलाया, मिठाइयाँ खिलाई, सत्तू खिलाया, जो बुंदेलखंड की मुख्य मुख्य व्यंजन है, कड़ी, कड़ी का भी उसमें कड़ी भी खिलाई, तो ये जो बुंदेलखंड की मुख्य परंपरा व्यंजन है वो उसके भी दर्शन इस कैबिनेट में हम सब ने करवाए। और निश्चित रूप से आने वाला समय गौरवशाली और वैभवशाली रहेगा। मंदिरों में गए थे, किले में गए थे? वो बहुत प्राचीन मंदिर है जहाँ रानी दुर्गावती जी अब पूजा करने जाया करती थी, 500 साल से भी पुराना मंदिर है वो, तो वो उस मंदिर में हम लोग गए, चार पांच वहाँ पर स्थान है, भोले बाबा का भी स्थान है, हनुमान जी भी हैं, सब जगह गदा लिए हैं, वहाँ हनुमान जी कटार लिए हैं, तो ये अपने आप में ऐतिहासिक है जिसको आगे पर्यटन की दृष्टि से कैसे, पुरातत्व दृष्टि से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है उसके बारे में रचना योजना बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।